हम अपने बच्चों को पोलियो का कतरे पिला चुके हैं। नहीं नहीं आंटी, मैं माजरत चाहती हूँ। वो मेरा नाम एमन है। वो शाहिद के मामा पापा कहाँ चले गए हैं, उनके घर पे ताला लगा हुआ है। अरे तुम इनके घर आई हो? इनके घर का तो ना ही पूछो। शाहिद के बाप को 2 दिन पहले पुलिस वाले गाड़ी में बिठा कर लेके चले गए। पीछे से उसकी माँ भी कहीं चली गई। वो बेचारी अकेली क्या करती। अरे हाँ यार जूबी, मुझे तुमसे बात करनी है बेटे। अच्छा मैंने कहा ना, तुम्हें आना है तो आना है। ओके बाय। जी बोले। तुमने वकार से बात की? किस बारे में? अजीब लड़की हो तुम। विरसा अभी तक वकार के निकाह में है, उसकी बीवी है। तुम दूसरी बीवी बनकर रहोगी उसकी? दूसरी बीवी तो मैं हूँ, इसका बदलना मुश्किल है। अलबत्ता दूसरी बीवी बनकर रहना चाहती हूँ तो ऐसा हर किसने। यही तो मैं पूछ रही हूँ, वो अपनी पहली बीवी को कब तलाक देगा? तुमने बात की वकार से? आपको इतनी जल्दी क्या है? मैं कर लूंगी वकार से बात। मुझे पूरा यकीन है वो उसे तलाक दे देगा। कहा सवाल विरसा का, तो उसका वकार की जिंदगी में वापस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चंद दिन बाद तुम्हारी मंगनी है उससे, और मंगनी के बाद आस पास के लोग, रिश्तेदार सब मुझसे सवाल करेंगे बेटा कि वकार ने अपनी पहली बीवी को तलाक दी है या नहीं दी। तो मैं क्या जवाब दूंगी? जूबी एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो, जब तुम वकार के नाम से मंसूब हो जाओगी तो उससे बात मनवाना इतना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। अगर मंगनी के बाद भी उसने विरसा को तलाक ना दी तो क्या करोगी? इसी तरह शादी कर लोगी उससे? पूछो उससे, अभी करो उससे बात। अगर तुम कहो तो भाभी जान से मैं बात करूं? मेरे ख्याल से ये ठीक है, आप पहले मुमानी जान से बात करें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के बाद मैं मामू और वकार से बात करूंगी। आज ही मैं भाभी जान के पास जाती हूँ और जाके उनसे करती हूँ बात। नसरीन, नसरीन जरा मुझे पानी देना। एमन तुम आ गए? हम कब से परेशान हैं? हम कौन? वकार और मैं। जिस दिन से तुम्हारी तबीयत खराब हुई है उससे तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। तुम जानती हो तुम्हारी हालत अच्छी नहीं है, और इस तरह अकेले किसी को बताए बगैर तुम घर से चली गई। मामा आपको बता के जाती तो आप कभी इजाजत ना देती। मैं शाहिद के घर गई थी। अंदाजा था मुझे उसी भूत बंगले में गई हो। क्या पता लगा? उसके बाप ने जो कुछ बताया था वो झूठ था। आज कोई नई खबर मिली है? कोई भी घर पे नहीं मिला, के घर पे ताला लगा हुआ था। ओह माय गॉड, अरे तुम किन मिस्टीरियस लोगों में फंस गई हो? कहीं ऐसा ना हो कोई और नई मुसीबत खड़ी हो जाए। मोहल्ले की एक औरत बता रही थी कि शाहिद के पापा को पुलिस अपने साथ ले गई, और उसकी मामा बताए बगैर कहाँ चली गई किसी को कुछ पता नहीं। एमन
मेरे बच्चे, मेरी बात मानो, भूल जाओ इस लड़के को, मत पीछा करो इसका। तनी ये फ्रॉड है या इसके माँ बाप फ्रॉड है, फिलहाल तुमने कुछ नहीं किया। हम सब जानते हैं कि तुम मासूम हो, लेकिन अगर तुम इन जराइम पेशा लोगों से मिलती रही तो तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। बेटा, इस तरह रोने से क्या होगा? इस तरह तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी, और इस हालत में तुम्हें अपना ज्यादा ख्याल रखना है, ना तुम अपने साथ लापरवाही करोगी। मत करो ऐसे। तो मामा आप ही बताएं ना मुझे, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? बाबा मुझे मुल्क से बाहर जाने की इजाजत नहीं दे रहे, आपके पास कोई हल नहीं। कुछ दिन बाद लोगों के सवालों का जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही कह रही हो तुम, हमें कुछ ना कुछ बहुत जल्दी करना होगा। किस किस को बताएंगे कि ये बच्चा जायज है, हमारा शौहर जायज है जिसका ये बच्चा है? और जब सब कुछ सामने आएगा तो तुमसे शादी कौन करेगा? मैं तो कहती हूँ अपने बाबा की बात मान लो, उनके दोस्त के बेटे से। देखो अब तुम्हारे बाप को राजी करने में या उनको तुम्हारी बेवकूफी के बारे में बताने से बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। जिस शख्स से तुमने निकाह किया है उसका पता ही नहीं है, वो नशात के चक्कर में बाहर जाके पकड़ा गया, उसे उम्र कैद की सजा हो चुकी है। किस किस को क्या सफाइयां देंगे? खानदान वालों को, मिलने जुलने वालों को? तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा अमन। बड़ी बेगम साहिबा वो आई हैं, जुबी मैडम की अम्मी आपको ना बुला रही हैं। उन्हें कहाँ बिठाया है? बेगम साहिबा वो तो इधर ही आ रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि मैं बड़ी बेगम साहिबा को बुला कर लाती हूँ, कहीं वो सो ना रही हो, तो फिर वो ड्राइंग रूम में ही रुक गई। ठीक है, उनसे कहो मैं आ रही हूँ। जी अच्छा। मुसरत को हल्का सा भी शुभा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। ठीक है मामा, मैं अपने कमरे में ही हूँ, मैं उधर नहीं आऊंगी। तुम उसे जानती भी और फिर भी ये कह रही हो? उसे बाल की खाल निकालने में कितनी महारत है, मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अगर तुम घर पे मौजूद हो और उसे मिलने ना हो तो इस बात का ऐसा बतंगड़ बनाएगी तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे, इसलिए आके उनको सलाम जरूर कर लेना। वैसे भी तुम्हारे बाप की लाडली बहन है।